नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज। मैं मोहम्मद इरफान, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। पंचायत चुनाव के मुद्दे पर आज खास चर्चा में दक्षिणी भदास पंचायत वार्ड नंबर 15 के भावी वार्ड परिषद सदस्य प्रत्याशी लाल मोहन महतो। क्या नाम हुआ आपका? लाल मोहन महतो। किस पंचायत में आपका घर है? भदास दक्षिणी पंचायत। और किस पद के लिए उम्मीदवारी आप लड़ रहे हैं? वार्ड पद के लिए। वार्ड पद के लिए। इस 5 सालों में इस वार्ड नंबर 15 में कितना विकास हुआ? विकास हुआ थोड़ा बहुत, मगर हुआ। थोड़ा बहुत हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। ज्यादा में क्या क्या नहीं हुआ? ज्यादा में क्या क्या नहीं हुआ कि थोड़ा दूर रोड बना, थोड़ा दूर ऐसी कच्ची है। अच्छा। इधर जनता लोग बोला थे, वार्ड सदस्य जो अभी वर्तमान में था वो आधा टेलर टुकड़ा गिरा दिया। जहाँ जहाँ टोटी लगना चाहिए वहाँ वहाँ टोटी नहीं लगा, सही से ढलाई भी नहीं हुआ। वहाँ पर अभी चल के देखिए, टूटा हुआ है, सिर्फ पाइपे पाइप लगा हुआ है, टोटी का कोई पते नहीं। उसके बाद वार्ड सदस्य का जो प्रतिनिधि है उसको जो सामाजिक काम करना चाहिए वो काम तो कर नहीं रहा है, बसरते दारू बेचता है। ये काम तो अच्छा नहीं करता है। वो वार्ड सदस्य जो हैं उनको तो समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए कि एक दो नंबर का धंधा मत करो। जनता के बीच में रहकर बाबू भैया नशों में बर्बादी है, ये है वो है कहकर उसको सही रास्ता पर लाना चाहिए। अगर खुदे हम प्रतिनिधि होकर शराब बेचेंगे, गंजा बेचेंगे, आदमी क्या सुधारेंगे? सही बात। तो आप उम्मीदवारी को लेकर जनताओं के बीच जा रहे हैं, अगर जनता आपको जनादेश देती है, अपना वोट देती है, तो फिर जनता के बीच आप किस किस मुद्दे को लेकर भविष्य में काम करेंगे, इसके बारे में बताइए। किस किस मुद्दे में काम करेंगे? जैसे कोई मर हर गया उस टाइम वहाँ खड़ा होंगे। अगर कोई गरीब है उसको हेल्प करेंगे, रात बिरात जो होता है प्रतिनिधि का देखभाल करना हमारा फर्ज होगा। जैसे कोई कष्ट में है तो कष्ट से उनको हम दूर कर सकते हैं, चाहे जैसे भी हो। चलो, क्या सेवा आप करेंगे भविष्य में? सेवा करेंगे कि जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो थाना जाते हैं तो नहीं जाने के लिए देंगे, यही मैनेज अपना में बैठ के कर लेंगे। वहाँ जाने के बाद पैसा खर्चा होगा, बहुत बात है। उसके बाद जो इंदिरा आवास है, पेंशन है, वृद्धा पेंशन हो चाहे मसो मैत हो, वो सब करके दिखाएंगे एक बार मौका देने का प्रयास। कृषि संबंधित बताएं। कृषि संबंधी में जो लाभ मिलेगा वो भी लाभ दिलवाएंगे, दिलवा रहे हैं। अभी वार्ड प्रत्याशी हम नए भी हैं, तब पर भी 10 गो 15 गो का पेंशन करवाए हैं, कितना का आवासिया बनवाए हैं। कोई मरता हरता है तो गाड़ी लेकर फ्री में गाड़ी देते हैं। अगर एक बार मौका दे दे और कुछ करके दिखाएंगे।